बाबा जी का ये उद्देश्य भारत में गुरु हो भारत देश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। अब डगमग डिगमिग कायंत हुआ, अति निकट दूर का पंथ हुआ। आँखें खोला देखा कगार, सरकार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। इसीलिए तो मैं बराबर कहता रहता हूँ कि युद्ध से बचे पूरा देश, और भारत ही नहीं विश्व के जितने भी देश हैं सबको युद्ध टालना चाहिए, युद्ध से लड़ाई से जंग से बचना चाहिए। आप ये समझो, और अगर कहीं लड़ाई हो गई तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, आपका सारा अधिकार खत्म हो जाएगा, आपकी जो स्वतंत्रता है यानी वो सब खत्म हो जाएगी। ना आपको अपने इस कानून के अंतर्गत जिस पर आप सड़क पर चलते हो, आपको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं रहेगा। कह दिया खाली कर दो, सड़क पर कोई जाएगा नहीं, मिलिट्री की गाड़ियाँ जाएंगी, फौज जाएगी, तो आपको कोई चलने देगा? रोक ले जाओगे। आप ये समझो कि कितना भी आप लाइट लगवा लो, कितना भी आप अपने कोठी को मकान को सजावट करवा लो, लेकिन अगर आदेश हो गया कि ब्लैकआउट हो रहा है और कोई लाइट नहीं जलाएगा तो अंधेरे में आपको रहना पड़ेगा। आप ये समझो कि बिजली अगर काट दी गई या बिजली कहीं फेल हो गई, यानी समझो लाइन टूट गई, तो पानी पी नहीं पाओगे, कुएं और तालाब तो अब रहे नहीं, अब तो कुओं को लोगों ने बंद कर दिया, तालाबों को बंद कर दिया, आप समझो कोई ध्यान नहीं है तो पानी कहाँ मिलेगा, पानी कैसे पियोगे? 80 मंजिल 90 मंजिल 100 से ऊपर मंजिल के मकान बने हुए हैं, कोई सीढ़ी चढ़ करके जा सकता है कि सीढ़ी पर से अन्न उतर करके नीचे आ सकता है? जो जहाँ है वहीं लटका रह जाएगा। जैसे आप ये समझो कि रास्ते में जा रहे हो और ऐसे तार हैं बिजली के, तो उनमें देखते होगे पक्षी फंस जाते हैं, तो ऐसे लटके रहते हैं, ऐसे आदमी लटक जाएगा। कितना दिन तक जिंदा रह सकता है बगैर पानी के, बगैर अन्न के कितना दिन जिंदा रह सकता है? शरीर तो कमज़ोर होगा ही, उतरते उतरते सीढ़ी पर ही गिर जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब आप ये समझो कि कहीं अगर बम गिर गया और समझो धरती फट गई, रास्ता बंद हो गया, सामने ऐसे दिखाई पड़ेगा कि गांव है, आबादी है, हम शहर की तरफ आए थे, हमको अपने गांव जाना है, लेकिन गांव नहीं पहुंच पाओगे, शहर नहीं आ पाओगे। तो अब आप ये समझो कि जितनी भी चीज़ें हैं, रुपया पैसा जिसको आप कहते हो, आप ये समझो कि ये मेरा है, आप दूसरे को धोखा दे देते हो, बेईमानी कर लेते हो, आप ठगी कर लेते हो, यानी समझो कि पैसा कमाने के लिए आप अपनी ईमान को ख़त्म कर देते हो, बेच देते हो, शरीर से पाप कर डालते हो। पैसा रुपया भी बैंक का जब इमरजेंसी लगती है तो मिलने की गारंटी नहीं रहती है। अगर मान लो बहुत छूट दे दिया, बहुत कुछ कर दिया, पैसे की कमी हो गई, खर्चा ज़्यादा हो गया,
आपने समझो नुकसान हो गया तो अन्य समझ लो कि कागज भले बना करके आपको दे दें कि ये FD अब आपकी और बढ़ा दी जा रही है, लेकिन हाथ में कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बुरा कर्म मत करो कि जिसकी वजह से सजा भोगना पड़े। ये लड़ाई झगड़ा और ये दंगा ये फसाद ये क्या है? ये कर्मों की सजा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इन सब चीज़ों से अन्य बचने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें यहाँ की हैं, इस धरती की जो चीज़ें हैं, आपकी अपनी कुछ नहीं है। तो आप ये समझो कि जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है और यही पूरे शरीर को चला रही है। अब ये जहाँ निकली तहाँ ये समझो कि इसकी कीमत खाता है। तो अब जिसने आपको फंसाया, यहाँ मृतलोक में जिसने भेजा और ये जीवात्मा यहाँ आकर के फंस गई, उसने निकालने का भी रास्ता निकाल दिया है, बना दिया है। अब आप बिल्कुल बेहोश हो, आपको कुछ पता ही नहीं है कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और हम कहाँ से आए और हम कैसे पहुँच पाएंगे, हम नरकों से कैसे बचेंगे, 84 से कैसे बचेंगे, पाप हमारे कैसे धुलेंगे, हम पाप से कैसे बचेंगे, ये तो आपको कुछ पता नहीं। बस खाने पीने और मौज मस्ती में आप लगे हुए हो, उसी में आपका समय यानी निकला चला जा रहा है। तो एक तरह से बिल्कुल मदहोश हो, कोई होश नहीं है किसको? ये शरीर के अंदर जो जीवात्मा पड़ी हुई है उसको भी, कि हमारे भी कोई पिता हैं, हमारा भी कोई घर है और जहाँ हमको चलना चाहिए। तो ये बिल्कुल मदहोश पड़ी है। तो भाई तकलीफ जब होती है, जीवात्मा को कष्ट होता है, तो आप ये समझो कि आवाज़ लगाती है, दर्द होता है, ना भी आवाज़ लगावे बच्चा, ना भी रोवे, लेकिन पिता जब देखता है कि छटपटा रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, तो इसका मतलब ये दुखी है, तो इसके दुख को दूर करना चाहिए। तो जब इस तरह की हालत हो जाती है कि जीव दुखी हो जाते हैं, तब वो मदद करता है। आप ये समझो कि पैर में कांटा चुभा तो दर्द कहाँ होता है? यहाँ एहसास यहाँ होता है, यहाँ से ऐसे बांध हुआ और नस टाइट हो जाए तो पता नहीं चलेगा। तो इसका संबंध कहाँ से है? जीवात्मा से है। 72,000 नसें इस शरीर के अंदर हैं, 72,000, तो नसों से इसका संबंध है। तो कहीं भी शरीर में कष्ट होगा तो जीवात्मा उसका एहसास करती है। तो जब वो मालिक देखता है कि ये बड़े दुखी हैं, कर्म इनके खराब हो रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं, तब दया करता है। तो पहले के समय में इतने लोग दुखी नहीं थे। पहले के लोग सब समझते थे कि सच्चाई धर्म है, अन्य जीवों पर दया करना धर्म है, सेवा परोपकार करना, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, यह धर्म है। यानी आप ये समझो कि परोपकार करना यह धर्म है, सेवा धर्म है, ये सब धर्म जब समझते थे और सच बोलते थे, मुँह से गलत बात नहीं बोलते थे, आँख से अच्छा भाव रखते थे देखने का, कान से बुरी बातों को नहीं सुनते थे, दूसरे के निंदा अपमान जब नहीं करते थे उस समय पर, तब अन्य समझो कि सुख था, शरीर का सुख था, इतने दुखी नहीं थे। लेकिन जब इधर कलयुग आया और कलयुग का प्रभाव जब बढ़ता गया, तब जब दुखी हुए तो मालिक ने भेज दिया। किसको भेजा? संतों को भेजा। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। संत जो आते हैं वो संत मत का प्रचार जब करते हैं, तब अन्य समझो कि कठिनाई तो आती है, लेकिन संत मत का पथ जो पकड़ लेते हैं, उस पथ से, उस रास्ते से फिर जन्म मरण से और तकलीफों से छुटकारा हो जाता है। तो इधर 750 वर्षों से करीब संतों का प्रादुर्भाव हुआ। संतों ने यानी समझो अपनी आवाज़ लगाई
देखो जब संत आवाज लगाते हैं तब जीवात्मा तक वो आवाज पहुंचती है, और जो वेशभूषा के संत होते हैं उन तक आत्मा की आवाज उन पर नहीं पहुंचती, आत्मा तक उनके अंदर चैतन्यता ज्ञान नहीं आता है। शरीर के अंदर तो आता है लेकिन जीवात्मा के अंदर चैतन्यता नहीं आती है। लेकिन जब संत आवाज लगाते हैं तो इसके अंदर चैतन्यता आ जाती है, इसको ज्ञान हो जाता है जीवात्मा को कि भाई हमको अपने घर चलना चाहिए, अपने मालिक के पास चलना चाहिए, पिता परमेश्वर के पास चलना चाहिए। और जब कोई ऐसा मिल जाता है कि हम तुमको वहाँ पहुँचा देंगे, गारंटी के साथ पहुँचा देंगे, तब विश्वास हो जाता है। और रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर जब जीवात्मा चलने लगती है तो अपने घर ये पहुँच जाती है, फिर सारा संकट खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रोना धोना नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, वहाँ कोई अंधेरा नहीं है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है, वो तो सुख का सागर है, तब सुख वहीं मिलता है। बाकी ये दुखों का संसार है, सुख जिस चीज़ में खोजते हो और सुख की इच्छा करते हो, सुख का साजो सामान इकट्ठा करते हो, आप उसमें दुख भोगने लगते हो, दुखों को बढ़ावा देने लगते हो। अगर यह संतोष धन आ जाए कि मालिक जो हमको दे देगा हम खा लेंगे, मालिक जहाँ रखेगा वहाँ हम रह लेंगे, अगर उस पर विश्वास हो जाए तो आपका बहुत कुछ दुख इसी से दूर हो जाए। लेकिन हविष की नदी हर तरफ बह रही है, जब दुनिया की चीज़ों की हविष करते हो तो उसमें और दुख झेलने लग जाते हो कि आप शरीर से भी सुखी रहो, धन यानी परिवार में भी रहते हुए यानी आप सुखी रहो और आपको ज़रूरत की चीज़ें सब मिलती जाएं, शरीर के पालन पोषण के लिए, मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए अन्य सब चीज़ें आपके लिए मुहैया हो जाएं और आप ऊपर आने जाने लग जाओ। आप थोड़ा भी अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी जीवात्मा ये ऊपर आने जाने लग जाएगी। कहाँ ऊपर, जहाँ आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, लेकिन इसके ऊपर भी लोक हैं। देखो सूरज आप ऊपर है, आसमान देखो ये ऊपर है, अब इनके देवता हैं, इनका लोक है, तो ये ऊपर हैं, शिवलोक विष्णु लोक ब्रह्मा लोक, आप ये समझो कि ये सब लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभू हैं, इनके सबके लोक हैं, ये सब ऊपर रहते हैं। आप ये समझो कि बहुत बड़ी रचना है ऊपर की, यहाँ तो इतनी आबादी नहीं है, इतनी जीवात्माएं नहीं हैं, जिसका यानी लाखों करोड़ों गुना यानी बड़ा वो देश और वहाँ पर आबादी है, जीव हैं, तो ऊपर बहुत से लोग हैं। उन लोगों में भी आपका समझो आना जाना हो जाए, उन लोगों का आनंद मिलने लग जाए, और जब समय पूरा हो तब आप जा कर के उस प्रभु के सर्वशक्तिमान के यानी समझो कि गोद में बैठ जाओ, जो आप ये समझो कि निराकार जिसको कहा गया वही साकार हो जाएगा, उसके गोद में आप बैठ जाओ, जो अविनाशी जिसको कहा गया यानी शरीर ये नाशवान है, ये मृत्युलोक में जो आता है ये नाशवान है, और उनका शरीर कोई नाशवान नहीं है, वो जो अचल हैं अमर हैं उनकी गोदी में बैठ जाओ, जो असली पिता आपके हैं गुरु महाराज हमारे, जिनकी तस्वीर लगी हुई बहुत लोगों को बताए और लोगों को सामने कराए भी। आप ये समझो कि जिन्होंने मन को रोक करके किया उनके दुख दूर हो गए, भौतिक बाहर के दुख जो थे वो भी चले गए, जो यानी समझो गरीबी थी, रुपया पैसा की कमी रहती थी, भोजन की समस्या आ जाती थी, कपड़े फटे रहते थे, तो वो भी समस्या दूर हुई, वो भी तकलीफ दूर हुई, शरीर से जो रोगी थे उनके रोग भी खत्म हुए, जो मर्मकदमेबाजी में अन्य अन्य झगड़ा झंझट में फंसे हुए थे वो भी दूर हुआ, और अन्य जीवात्मा के कष्ट भोगने का भी समय निकल गया और जीवात्मा अपने वतन पहुंच गई, मालिक के पास पहुंच गई। गुरु महाराज के आदेशानुसार अन्य अब मैं भी रास्ता बताता हूँ,
गुरु की दया ले करके, गुरु की धार ले करके, उनकी दया से ही आपको बताता हूँ, बहुत लोगों को बताता हूँ, खुले में नामदान दे देता हूँ, खुले में बता देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं देता हूँ, टेलीफोन पर नहीं देता हूँ। नामदान की एक मर्यादा होती है, नामदान देते समय आमने सामने यानी होना चाहिए, नामदान देने वाला और नामदान लेने वाला सामने होना चाहिए, क्योंकि यह जो सिस्टम है यह सबके समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन आपको जो बताऊंगा नाम और उसका आप जाप करोगे तो सिस्टम सब आप समझ जाओगे कि किस तरह से लेना होता है, किस तरह से देना होता है, किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से नामदान लिया जाता है, और नामदान का फल क्या मिलता है, और कर्म कैसे करते हैं, नामदान के समय पर कैसे क्या होता है, ये सब आपको दिख जाएगा। कहीं भी रहोगे, नामदान हो रहा है, वहीं से दिख जाएगा कि किस तरह से देखो सफाई हो रही, किस तरह से यानी अंतरात्मा सफाई हो रही, किस तरह से ग्राउंड यानी तैयार किया जा रहा है। जैसे खेत की बुआई करनी होती है तो खेत की जुताई की जाती है, फिर उसके ऊपर पट्टा लगाया जाता है, फिर घास फूस निकाला जाता है और तब खेत तैयार होता है बुआई के लिए। तो ये सारा सिस्टम यानी सब समझ में आ जाएगा को जब आप करने लग जाओगे। और सुमिरन, ध्यान, भजन, ये तीन प्रक्रिया बताई जाएगी। तो सुमिरन क्या है? देखो, सुमिरन जो नाम बताया जाता है उन नामों को याद करना होता है। तो देखो, जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। तो जाप किसको कहते हैं? जैसे आप मान लो राम के भक्त हो तो राम 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 जपते हो, कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण श्री कृष्ण जपते हो, आप शंकर के भक्त हो अभी तक रहे हो, बहुत से लोग हो तो शिव 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 ऐसे जपते हो, तो ये क्या है? यह है जाप। आपने शिव को देखा नहीं, आपको शिव के बारे में कोई बताया नहीं, आपको शिव देखने वाले कोई मिले नहीं जो शिव की पहचान बता दें, शिव के असली लक्षण बता दें, शिव की आवाज़ आपको बता दें कि किस तरह की है, शिव कहाँ रहते हैं, ऐसे अगर मिले नहीं आपको तो बस वो बता देंगे कि शिव सबसे बड़े भगवान हैं, शिव का नाम लो, विष्णु बड़े बड़े भगवान हैं उनका नाम लो, तो आप जपते जाते हो। लेकिन जो सुमिरन होता है उसमें नाम और रूप दोनों बताया जाता है। जितने भी संत हुए पीछे नाम और रूप उन्होंने दोनों बताया। तो नाम जो होता है वो समझ लो कि कहाँ का होता है, नाम जो है वो ऊपरी लोकों का होता है। आप ये समझो कि ऊपरी लोकों के जो धनी हैं उनका नाम है, उनका रूप है। जैसे आपका नाम रखा गया, परिवार वालों ने आपका नाम रखा, लेकिन आपका चेहरा है, आपका रूप है और आप कहीं रहते हो, ऐसे ही उन धनियों का स्थान है और उनकी आवाज़ है। तो वो नाम जब जपते हैं, आप ये समझो जब उसका सुमिरन करते हैं माला के ऊपर, तो उनका ध्यान लगाते हैं, और जब ध्यान लगाएंगे और उनको याद करेंगे तब वो भी आपको याद करते हैं, वो भी देखते हैं। और ऐसे अगर आप बोलते चले जाओ, ध्यान उनका ना लगाओ, तो आपकी तरफ वो तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुमिरन को मन को रोक करके और तब करो, और जो रूप बताया जाता है उसी पर दृष्टि को टिकाओ, उन्हीं को रूप को ही देखते रहो, तब आपकी फरियाद स्वीकार हो जाएगी। देखो, प्रार्थना यानी इसीलिए तो करते हैं कि हमारी फरियाद वहाँ तक पहुँच जाए। देखो, अभी तो आप जो पुराने लोग हो आपको बताया गया, नए लोग जो आए हो धीरे धीरे जब सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि जब भजन में ध्यान में मन न लगे तो प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रार्थना जब आदमी करता है तब उसके अंदर दीनता आती है, क्योंकि हर प्रार्थना में
आप ये समझो कुछ न कुछ मांगा जाता है, प्रार्थना वही करता है, आप ये समझो दरख्वास्त वही देता है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अब जो जैसा होता है उसी हिसाब से उसे मांगा जाता है, उसको उसी तरह से दरख्वास्त दिया जाता है, उसी तरह से प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना से क्या होता है, यानी छोटापन आता है, दीनता आती है। अब कोई अगर ये कहे भिखारी कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो देने वाला जेब में तो डालेगा नहीं, हाथ तो फैलाना पड़ेगा। अब अगर समर्पण भाव से यानी प्रार्थना करें, यानी फरियाद करें, दया मांगें, तब तो भी दया मिल जाए। लेकिन जब धन का अहंकार, बल का अहंकार और आप समझो मान प्रतिष्ठा का अहंकार आदमी को रहता है, तब मांगता तो है, कहता तो है, लेकिन दीनता नहीं आती है। और देने वाला ये देखता है कि पात्र कैसा है, इसको कैसे देना चाहिए, तो उस हिसाब से देता है। आप देखो अभी सूट बूट पहन करके जाओ, किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, टाई लगा कर चले जाओ, किसी दरवाजे पर खड़े हो जाओ और कहो कि हमको रुपया दो, तो कोई देगा? ओ बाबा भला होगा, फटा पुराना पहन लेता है और बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता है और फटी चप्पल पहनता नहीं, ऐसे नंगे दे दो दे दो, कहता गरीब आदमी है दे दो। ऐसे ही आप ये समझो कि जब दीनता से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो चीज़ यानी मिल जाती है। तो जब दीनता से यानी याद करेंगे कि आज हमको आप दे दो, आज हमारा प्लेटफॉर्म साफ कर दो, आप अन्य समय लोग के हमको इस तरह का बना दो कि जिससे हम अन्य ध्यान लगाएं आपका, तो आप हमको अंतर में मिल जाओ। तो देखो ध्यान सुमिरन में भी लगाना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान ऊपर नहीं ले जा सकता है आपको जब तक शब्द नहीं मिलेगा। और जब शब्द मिल जाता है, ध्यान लगाया जाता है, सुमिरन ध्यान और भजन तीन चीज़ इसीलिए बताई जाती है कि जब ध्यान लगाते हैं तो शब्द यानी समझो कि पकड़ में आता है, वो खींचता है। अब भजन इसलिए कराया जाता है कि आवाज़ बराबर आ रही है तो उस वो पकड़ में आ जाती है, और जीवात्मा जब उसको पकड़ लेती है तो खींच के निकाल करके ले जाती है। माला से सुमिरन क्यों कराया जाता है, क्योंकि ये मन आदमी का धोखा देता है, मन ये बड़ा बेईमान हो गया है, ये वफादार नहीं रह गया। और इस समय कलयुग का मन और बेईमान हो गया, वफादारी ये नहीं करता है। आप ये समझो कि मन अगर वफादार हो जाए, साथ दे दे, तो फिर रोना रोना खत्म हो जाए, झगड़ा झंझट खत्म हो जाए। तो ये मन क्या करता है, जैसे आपने नाम लिया, अब उनका रूप आपको देखना है, ध्यान रखना है, तो मन भटका देगा, तो आप भूल जाओगे कि हम कौन सा नाम जप रहे थे, ये भूल जाओगे कि हम कितनी बार जपे। तो एक समय सीमा निश्चित कर दी जाती है, जैसे ये हो गया कि जितने भी माला चाहे जपने के हों चाहे सुमिरन करने के हों, 108 दाने के होते हैं, अब उतना तो आपको करना ही करना है। जैसे इस समय पर बहुत से प्रेमी आप नाम धुनी करते हो, बहुत से लोग ध्यान भजन करते हो सामूहिक रूप से, अब समय आपने निश्चित कर लिया है कि 1 घंटा हमको बैठने ही बैठना है, 1 घंटा ध्यान करेंगे, 1 घंटा भजन करेंगे और 15 मिनट सुमिरन करने करना है। तो जब निश्चित कर लेते हो तब आप उसको करते हो। ऐसे ही बंधन में जब बांध दिया जाता है कि 108 दाने का आपको सुमिरन करना है, करोगे ही करोगे, तो आप समझो कोई शुरू में गारंटी नहीं है, कर से आप जाप कर लो, कर जाप कर लो, क्योंकि भूल जाएगा, आप ये समझो कि छूट जाएगा, इसलिए माला जरूरी होता है सुमिरन करने में। और ध्यान बताऊंगा, ध्यान किसको कहते हैं, पूरी अन्य समझो कि शरीर की शक्ति को खींच करके और आँखों के बीच में लाना, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया, जिसको तीसरा तिल कहा गया, जिसको पिंडी दसवां द्वार कहा गया, वहाँ पर पूरे शरीर की शक्ति को खींच करके अन्य लाना, आप ये समझो कि यह है ध्यान। लेकिन ध्यान अब नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है,
ये एकाग्र होता नहीं है। जहाँ तक अनि मन का ताकत इस जीवात्मा के साथ शरीर में है, यह फिर मन उधर ही ले जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, खान पान गलत हो गया, चाल चलन गलत हो गया, आदत आदमी के शरीर की गलत हो गई, तो जिस तरफ की आदत रहती है मन की, वो उसी तरफ ले जाता है। अब आप ये समझो कि इसीलिए अन्य समझो कहा गया कि कर्मों के झाड़ू लगाने के लिए बराबर सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। जैसे गंदगी घर में इकट्ठा हो जाती है, सफाई नहीं करते हो तो वो बढ़ता चला जाता है, ऐसे सफाई कर दो, रोज रोज का साफ साफ रहेगा, ऐसे ही सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, तो सफाई होती रहेगी। जब सफाई होती रहेगी, कर्म करते रहेंगे, तो मन भी ये ढीला पड़ जाएगा, मन साथ दे देगा, तो नीचे से ये खींच करके और ऊपर जीवात्मा की तरफ ही आ जाएगा। जैसे ये नीचे शक्ति उतारी गई है, ऐसे ही आप ये समझो कि नीचे से ये आएगी, आप समझो कि नीचे से ये ताकत खींचेगी, स्थान स्थान पर आएगी, जैसे गुदा चक्र में आएगी, फिर इंद्रिय में आएगी, फिर नाभि पे आएगी, हृदय पे आएगी, कंठ पे आएगी, और फिर इधर से होते हुए तब यहाँ पहुँचेगी। और जब यहाँ पर ये शक्ति केंद्रित हो जाएगी, तब इसकी पावर बढ़ जाएगी। आप ये समझो, जब किरणें फैली रहती हैं तो पावर कम रहती है, और जब किरणें इकट्ठा हो जाती हैं तो पावर बढ़ जाती है। तो जो पिछले जन्म के भी जिसको आने समझो संचित कर्म कहते हैं, थोड़ा बहुत जो जमा रह गए हैं, वो भी हट जाते हैं। और जब हट जाते हैं और शब्द जब उतरने लगता है, यानी उसमें तेजी आ जाती है, जब उसमें तेजी आ जाती है तब वो इसको खींच लेता है, जीवात्मा को खींच लेता है, और खींच करके फिर ले जाता है, फिर ऊपर भी आ जाती है तो सिस्टम से ही जाती है। अब यह है कि ऊपर भी बहुत दिन तक पड़ा रह जाना पड़ता है, अन्य लोकों में भी, स्वर्ग में पड़े रहो, वैकुंठ में पड़े रहो, ब्रह्म पार ब्रह्मलोक में पड़े रहो, आगे न बढ़ पाओ, लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है तब वो मदद कर देते हैं, बराबर संभाल करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया, भाई गुरु को खुश रखो और समर्थ गुरु की तलाश करो, जो यहाँ भी आपको मदद दे दें और वहाँ भी मदद कर दें आपकी, क्योंकि यहाँ तो नामदान दे दिया, नाम बता दिया, लेकिन मदद नहीं कर पाए, गुरु की दया अपने ले नहीं पाए, पुराने अनुसमझों के संतों के आधार पर, महात्माओं के आधार पर, कई पुष्ट के लोगों के हिसाब से तो आपको समझाते रहे, रिझाते रहे और बताते भी रहे। आप समझो कि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपको बुराइयों से रोक तो रहे हैं, आपको संत मत समझा तो रहे हैं, आप समझते तो हो, लेकिन आप ये समझो कि दया नहीं ले पाओगे। दया कैसे जारी होती है? सिस्टम से ही जारी होती है। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपर रहा है, गुरु की दया बराबर रही है, गुरु को ही इसीलिए अन्य जो जानकार रहे हैं, चाहे साधक रहे हैं, चाहे संत रहे हैं, अन्य सब कुछ माना है और गुरु का ही हाथ पकड़ा है। शर्मत गुरु का भक्त था, तो जा रहा था समुद्र में जहाज लेकर के, तो उसकी जहाज डूबने लग गई, डूबने जब लग गई तो गुरु को याद किया, गुरु को जब याद किया तो एक हाथ निकला इससे और आवाज आई, शर्म पकड़ ले हाथ, निकल जा, छोड़ दे जहाज को, मैं तो उसको बचाना चाहता हूँ। तब कहा, आप कौन हैं? कहा, मैं खुदा हूँ। तो कहा, हम आपको नहीं जानते, माफ करना, हमने तो पुकारा गुरु को और आपका हाथ आ गया और गुरु ने पहचान आपकी नहीं कराई, तो हमको क्या पता कि आप कौन है, आप माफ करना। हाथ हट गया, फिर गुरु को याद किया तो दूसरा हाथ निकल करके आ गया, कहा, पकड़ ले हाथ, निकालना चाहता हूँ, कौन है आप? आवाज आई, मैं खुदा का खुदा हूँ, तो उसको बचाना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ।
कहा मैं आपको भी नहीं पहचानता, माफ़ करना, आपको भी नहीं पहचानता हूँ। हमारे गुरु ने भी अपने ही गुरु के बारे में बताया, उन्होंने उदाहरण तो लिया, जितने भी संत आए सब लोगों ने उदाहरण तो लिया। आप ये समझो माध्यम तो बनाया जीवों को तरह तरह से समझाने के लिए, लेकिन अपने ही अपने गुरु को महत्व दिया। तो अन्य समझो कि गुरु की ही दया मांगा, तो गुरु से मैंने प्रार्थना किया, हम आपको भी नहीं जानते हैं और न हमारे गुरु ने आपसे कभी पहचान कराई, तो हम आपका भी हाथ नहीं पकड़ेंगे। फिर रोया, फिर चिल्लाया, दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, पूरा काम भी अभी हमारा नहीं बन पाया, अभी तो एक तरह से मैं भर्ती हुआ हूँ आपके सर आध्यात्मिक स्कूल में, तो मेरे ऊपर आप दया करो। तब गुरु का हाथ आया, तब गुरु के हाथ को पहचान गया और पकड़ा, तब रोया, कहाँ रह गए थे। जैसे बाप को देख करके बच्चा रोता है ऐसे रोया चिल्लाया, माँ को देख करके बच्चा रोता है ऐसे चिल्लाया, कहाँ रह गए थे, मैं तो मरने जा रहा था, कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ। सब उन्होंने कहा मैं यही तो देख रहा था कि तू किस पर विश्वास करता है और किससे दया मांगता है, किसको तू मानता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु की दया लेने वाला, गुरु की दया का आदेश का पालन करने वाला ही मदद कर सकता है। ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए और ऐसे गुरु अगर मिल जाएं तो ऊपर जाने में निकलने में दिक्कत नहीं होती, वो बाधाओं को हटाते चले जाते हैं। जैसे देखो अन्य समझो झाड़ू लगा करके कोई किसी को रास्ते से निकाल देता है, कांटे पड़े हुए हों, परोड़ा पत्थर पड़ा हुआ हो, भाला भी लगा हुआ हो, तो जो जानकार है समर्थ है वो भाले उखाड़ देता है, कांटे को हटा देता है और रास्ते पर निकाल देता है, और नहीं तो उसी कांटे में फंसे रह जाओ, उसी झाड़ में फंसे रह जाओ। पैर में अगर चुभ गया भाला, घाव बन गया, तो पड़े रह जाओ, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए गुरु की अहमियत यहाँ भी है, रास्ता बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए, सुख शांति दिलाने के लिए, और ऊपर भी पड़ती है। ऐसे हर मानस के शरीर में गुरु की पहचान नहीं हो पाती है, बातों से तो प्रभाव पड़ता है लेकिन आदमी अमल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यानी गुरु के दया से उसकी सूरत यानी समझो जुड़ नहीं पाती है, मालिक की ताकत से सूरत जीवात्मा जुड़ नहीं पाती है, तो यानी आप ये समझो मन भ्रम में डाल देता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन अंतर में जब यानी गुरु की मदद को साधक देख लेता है तो गुरु के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर आप ये समझो कि उनकी महिमा को समझ जाता है, तब महिमा का वर्णन करने को शब्द नहीं रहते हैं। कहा कि गुरुगुण लिखा न जाए, सात समुंदर मश करूं गुरुगुण लिखा न जाए, धरती सब कागज करूं और लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र मश करूं गुरुगुण लिखा न जाए, तब वो चिल्लाने लगता, बोले संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। आप ये समझो कि लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावन हार, ये तो अनंत दिखाने वाले हैं जिसका अंत नहीं है, ये गुरु तो ऐसे होते हैं, कितने लोचन को कितनी आँखों को अंदर की दृष्टि को खोलने वाले होते हैं, खोल दिया तो इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार
परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।